ये है आपके लिए। आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रॉब्लेम एवढाच आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मीडिया कधी येत नाही। आपण सुरू करूया, आपण सुरू करूया। महाराष्ट्रामध्ये पहले मराठी में बोलूंगा फिर हिंदी में भी बोलूंगा, आप चिंता मत करिए। आप बोलो तो अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब में बोलूंगा। अपने सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिली आहे। आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो पण हा जनादेश भारतीय जनता पक्षाला होता असं मी याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67-70% जागा आम्ही जिंकलो, शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी केवळ 40-42% ते जागा जिंकले। याचा अर्थ असा होता की महायुतीला जनादेश तर होता पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता आणि या जनादेशाचा सन्मान करण्याकरता महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला। दुर्दैवाने जी गोष्ट कधी ठरलीच नव्हती, शिवसेनेच्या लक्षात ज्यावेळी हे आलं की नंबर गेम असा आहे की ज्या नंबर गेममध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते आणि म्हणून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून त्यांनी बार्गेनिंग सुरू केलं, आमचे सगळे पर्याय खुले आहेत आणि जी गोष्ट कधीही ठरली नव्हती, कधीही शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद भाजप देईल असं ठरलेलं नव्हतं, जे आमचे नेते अमितभाई शाह यांनी स्पष्टपणे घोषित केलं। नव्हे तर निवडणुकीच्या काळात, निवडणुकीच्या नंतर, निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये अतिशय त्यांनी स्पष्ट केलं होतं, असं न ठरलेल्या बाबींचा बाऊ करून आता हे ठरलंय आणि आम्हाला हे हवंय अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणाही सोबत जाऊ शकतो अशा प्रकारची जी काही धमकी भारतीय जनता पक्षाला दिली त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाने तात्विक भूमिका मांडली। जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही। अनेक दिवस आम्ही त्यांची वाट बघितली पण आमच्याशी चर्चा करण्याच्या ऐवजी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा करत होते। आश्चर्य आहे की जे लोक मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही ते अनेकांच्या पायऱ्या झिजवत होते, अनेकांसोबत बसत होते पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते। आणि अशातच असेंब्लीची मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं। शिवसेना आमच्या सोबत नसल्यामुळे आमच्याकडे नंबर्स नाहीत हे सांगून आम्ही सत्ता स्थापनेला नकार दिला। त्यानंतर शिवसेनेला बोलवलं, शिवसेनेने नंबर्स आहेत असं भासवून त्या ठिकाणी जाऊन आपलं काय हसं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं। मग राष्ट्रवादी काँग्रेसला बोलवलं, त्यांच्याजवळ नंबर्स नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं,
आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली. राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर देखील 10-12 दिवस सातत्याने त्या ठिकाणी चर्चा सुरू होत्या की तीन जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, तीन जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार. पण ते सरकार काही तयार होऊ शकत नव्हतं. याचं कारण पूर्णपणे तीन भिन्न पक्ष ज्यांच्या आयडिओलॉजीचा कुठलाही एकमेकाशी संबंध नाही असे पक्ष एकत्रित येऊन सत्ता स्थापनेचा मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करत होते. हा सत्ता स्थापनेचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवा एवढाच कॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम होता. याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही प्रोग्राम हे तयार करू शकले नाही, कुठलाही निर्णय हे घेऊ शकले नाही. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते यांनी आम्हाला सत्ता स्थापनेकरता त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं ज्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं. आणि आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्समध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही, मी या ठिकाणी राजीनामा देतोय. आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्याजवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही. भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवशीपासून ही भूमिका घेतली होती, आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही. संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्यासोबत आल्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापना केली होती. आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता आम्ही देखील या ठिकाणी राजीनामा देऊ. आणि म्हणून ही पत्रकार परिषद संपवल्यानंतर मी राज्यपालांकडे जाणार आहे आणि माझा राजीनामा त्या ठिकाणी सोपणार आहे. खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि मला विश्वास आहे की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील. पण मला भीती आहे की हे सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल. याचं कारण इतकी मतभिन्नता आहे. म्हणजे काल ज्यावेळेस मी बघितलं की शिवसेनेचे नेते हे सोनियाजींची शपथ घेत होते त्यावेळी मला आश्चर्य वाटलं की सत्तेकरता किती मोठी लाचारी ही शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते. पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे. हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत, भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल. जनतेच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून सोडवण्याचा प्रयत्न करेल, जनतेचा आवाज बनून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू. पण मला निश्चित ही शासनकता आहे की इतका विरोधाभास असलेलं सरकार दोन चाकं असलेलं सरकार वेगानं धावतं पण आता हे तीन चाकं आहेत. तीन चाकाचा ऑटो रिक्षा देखील धावतो पण ऑटो रिक्षाचे तीन चाक तीन बाजूला जर धावायला लागले तर त्याची काय अवस्था होते
तीच अवस्था या सरकारची होईल ही शंका माझ्या मनामध्ये आहे. मी आज या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो. 5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या जनतेचं मोठं प्रेम आणि आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाला आणि महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं आणि त्याची पावती म्हणूनच लोकांनी आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं. शेतीच्या समस्या असतील, कर्जमाफीचा विषय असेल, वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, मुंबईसारख्या महानगराचा कायापालट असेल, गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षांमध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो मला त्याचं मनापासून समाधान आहे. हे निश्चित आहे की अनेक गोष्टी राहिल्या, पण इरिगेशन असेल, रोड असतील, इतकं मोठं काम गेल्या 5 वर्षांमध्ये या ठिकाणी आम्ही केलं आणि अतिशय पारदर्शी प्रामाणिकतेनं आम्ही गेली 5 वर्ष सरकार चालवलं. त्यामुळे मला आज ज्यावेळी राजीनामाला झाला जातोय त्यावेळी या गोष्टीचं समाधान आहे की जनतेने जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचं काम हे निश्चित आम्ही केलं. काही गोष्टी निश्चित राहिल्या असतील, काही गोष्टी कमी झाल्या असतील, काही गोष्टी चुकल्याही असतील, पण आमची मानसिकता, आमचं इंटेन्शन हे कधीच चूक नव्हतं आणि त्यामुळे 5 वर्ष अहोरात्र कुठलीही सुट्टी न घेता जनतेकरता काम करण्याची संधी ही मला प्राप्त झाली. महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून मी आभार मानतो. माझे नेते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो. त्यांचा अतिशय भक्कम पाठिंबा आमच्या पाठीशी होता. आमचे अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष जगतप्रकाशजी नड्डा यांचे आभार मानतो आणि विशेषतः माझी जी टीम आहे, म्हणजे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील, पक्षातले सहकारी असतील, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं आणि म्हणूनच ही प्रगती आम्ही या ठिकाणी साधू शकलो आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे. ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो. सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि कशाही प्रकारे का असे ना 5 वर्षे जे आमच्या सोबत राहिले, सरकारमध्ये राहिले, त्यांचे मी आभार मानतो. कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते त्यामुळे त्यांचे मी आभार मानतो. महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. ये जो जनादेश मिला ये जैसे महायुति को जनादेश था उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई. तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था. दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही
बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा कि किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते, ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया, शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई, पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद तीन पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनको उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते, और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं
उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का श्रेय था, एक टीम करके हम काम कर रहे थे। और इसलिए मैं उनका भी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला। और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती, इतके दिवस तुम्ही सिंचनाच्या नावाखाली अजित पवारांचा आरोप करत होता, ते तपास करण्यासाठी कसे चालले? आणि दुसरा प्रश्न, एवढ्या भल्या सकाळी लपून म्हणजे असा जो आरोप करतात, शपथ विधी घेण्याचं कारण काय? असं आहे की राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यास व्हॅक्युम ठेवता येत नाही। राष्ट्रपती राजवट
ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात, त्यामुळे तिथे जर सत्ता नसेल आणि गव्हर्नरलाही अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते, म्हणून ती शपथ घेण्यात आली. देखिए पहली बात यह है, हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया, नहीं बनी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया. तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी और इसलिए हमने सरकार बनाई. देखिए अभी इसका जवाब अजीत पवार दे सकते. देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे. और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं. फडणवीस जी, सवाल अजीत पवार का इसलिए भी उठता है, माफ करिए मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, आप अगर सुन सकते हैं तो, इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि आपने खुद आपके भाषणों में कहा था अजीत पवार चक्की पीसिंग की जगह पे आपके साथ वो अचानक कुछ दिन सुबह दिखाई दिए और इसी में सब इसीलिए सबको झटका लगा, इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है क्योंकि आप खुद ऐसे थे, आप और विनोद तावड़े आप दोनों ने अलग अलग सभागृहों में इरिगेशन घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर उठाया था, आपने उस मुद्दे को लेकर ओपन इंक्वायरी ऑर्डर की थी, आपकी सरकार ने 3000 से ज्यादा टेंडर्स की इंक्वायरी की थी और उसी आदमी के साथ आप जाकर सरकार बना रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया. इसी को जोड़ के आप जुड़ी हो, मैं बता रहा हूं आपकी सारी तरीके से आपकी और ऐसा है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुटनेता बनाया, अब जब सत्ता बनेगी तो गुटनेता के साथ ही बनेगी, अगर वो गुटनेता नहीं होते दूसरे के होते तो देखिए अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते. अजित पवार यांनी राजीनामा देतो नेमकं कारण काय सांगितलं? मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणाने मी राजीनामा देतो. अजित पवार यांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊन राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता? मला काही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा. लगातार जब आप उसे सपथ लिए उसके बाद से पोलिस्टर ये कह रहा है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी और जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं उसके पहले रात में आप लोगों ने सरकार बनाई. अरे भाई 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे, रोका किसने था? नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. महज 80 घंटे पुरानी सरकार महाराष्ट्र में गिर गई है और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे से ठीक पहले महाराष्ट्र के नए जो डिप्टी सीएम बने थे अजीत पवार, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे और उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया और एक बड़ा मोड़ आ गया है. इस वक्त आप देख पा रहे हैं आज ठीक सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध
मिश्रा जुड़ चुके हैं जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सह्याद्री गेस्ट हाउस, वहीं से सुबोध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, वहां पर क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऐलान हो चुका है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, इस्तीफे का ऐलान, और एक नया मोड़ यहां पर पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में आ चुकी है। बिल्कुल मृत्युंजय, आप जब आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि करीब 80 घंटे की ये सिर्फ सरकार थी, लेकिन जो पिछला जो एक घंटा गया है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल भरा था। जहां एक तरफ आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो कल ही करना है शाम को 5 बजे, उसके बाद एक और खबर आती है कि जो भाजपा के विधायक हैं उनका एक साथ उनकी मीटिंग होने वाली है आज शाम को करीब 9 बजे वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में होने वाली है, जिसके लिए सभी भाजपा के MLA हैं जो पूरे महाराष्ट्र के हैं उन सबको आना था और सबको एक साथ मीटिंग करनी थी। लेकिन उसी दौरान जो इतनी तेज़ी से घटनाक्रम जो है वो बदला और इतनी तेज़ी से जो पिछले 3-4 दिन से जो मान मनोवल चल रहा था अजीत पवार को लेकर के कि उनको मनाया जाए, जो NCP के बड़े बड़े नेता कर रहे थे, आखिरकार वो लोग सफल हुए और आज जब अजीत पवार और सुप्रिया सूले और शरद पवार जी की जो बैठक हुई थी बहुत गुपचुप तरीके से, वो पूरी तरह से सक्सेस हुई। उसके बाद अजीत पवार जाते हैं, जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं उन्होंने बताया कि अजीत पवार साहब उनके पास आए और उन्होंने बोला कि अब वो इस सरकार में नहीं रह सकते ज्यादा, और उसके बाद के बाद घटनाक्रम बदला, अजीत पवार ने इस्तीफा दिया। अजीत पवार के इस्तीफा देते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे अपनी पूरी बात रखी देवेंद्र फडणवीस जी ने कि किस तरह से सारे जो घटनाक्रम चेंज हुए और उनके सामने इस तरह की स्थिति आ गई कि अब उनके पास इतने विधायक नहीं है कि वो अपना बहुमत साफ करें। साफ तौर पर है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तुरंत वो राज्यपाल के पास जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर NCP, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों लोगों को कल का जो फ्लोर टेस्ट को लेकर के जो बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं ये चीज बनी हुई थी कि कहीं किस तरह से हम करेंगे, साबित करेंगे और किस तरह से बहुमत होगा, वो क्लियर हो गया है। अब पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि अगली जो सरकार है वो शिवसेना, NCP और कांग्रेस की होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ, और एक बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से, और पिछले 3 दिनों में शनिवार से अब तक लेकर के जो कहानियां यहां पर बदली हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। शनिवार की तड़के सुबह ये पूरा घटनाक्रम बदला, और शनिवार की सुबह यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अजीत पवार ने डिप्टी CM की शपथ ली थी, और उसके बाद से लगातार कयासों का दौर जारी है। शरद पवार का बयान आया उसके बाद कि उनकी मर्जी के खिलाफ ये गठबंधन हुआ है, और कल एक यहाँ पर जिस तरह से शक्ति परीक्षण किया गया था सदन के बाहर NCP, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से, वहाँ पर कहा गया था कि हम में है दम, 162 हैं हम, 162 विधायकों की परेड कराई गई थी होटल में, ये दिखाने की कोशिश हुई थी NCP गठबंधन की तरफ से कि उनके सारे विधायक इंटैक्ट हैं, लिहाजा उनको तोड़ना मुश्किल है और फ्लोर टेस्ट में BJP को हार मिलेगी, ये दावा किया गया था NCP शिवसेना की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं अब सच साबित हुआ है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। हमारे साथ अकू श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप इस पूरे घटनाक्रम को क्या देख रहे हैं, और इसके बाद अब क्या आपको लगता है कि अब बहुत जल्द महाराष्ट्र में NCP, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, या वहां पर भी अभी कुछ शर्तों का खेल चलेगा? नहीं, अब कोई ऐसी शर्तों का खेल नहीं होने वाला है। सीधी सीधी बात है, सीधी सरकार बनने जा रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और जितनी भी कटुता इन तीनों दलों में आपस में पहले कभी दशकों में रही होगी वो पिछले 2 दिन में जब उनपे हमला हुआ तो उसके दौरान एक हुए और उसके बाद में वो लोग एक होकर के काम करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में जब भी इतिहास की किताब लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि शरद पवार ही शायद सबसे बड़ा शहंशाह हैं राजनीति के, और जो संजय राउत ने कहा था उनके लिए कि वो 100 जन्म भी लेना पड़ेगा उनको समझने के लिए, तो सचमुच उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में शरद पवार जिस मजबूती के साथ सामने आए हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और इस वक्त हमारे साथ अवधेश कुमार भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन सुबोध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहीं से
सुबोध, अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि अब वो सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्या अजीत पवार से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अजीत पवार भी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? लगता है सुबोध से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको एक बार फिर से सुनाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के टर्न अराउंड करने वाली स्टोरी की ये बाइट। बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, यह देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। तो अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी शिवसेना से 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात नहीं की थी। सुबोध मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहीं से। सुबोध, अब वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, और क्या आपके पास ऐसी कुछ जानकारी है कि अजीत पवार भी मीडिया से बात करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी तक फिलहाल ये जानकारी अभी तक मेरे तक नहीं आई है, लेकिन ये बात है कि निश्चित तौर पर कि मीडिया के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अजीत पवार से मिलने के, क्योंकि जो ये घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से प्लान कर रही थी, और आपको मैं बताऊँ, थोड़ी देर पहले जब ये 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उससे 15 मिनट पहले जब मैं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ भी था, वो खुद अचंभित थे जब ये खबर आई, और वो खुद शॉक्ड थे कि आखिरकार इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम कैसे हुआ, अजीत पवार आखिरकार किस तरह से इस्तीफा कैसे दे दिए। क्योंकि जिस तरह से ट्विटर उन्होंने किए थे अजीत पवार ने 2 दिन पहले, और बाकी अभी पिछले दिनों जिस तरह से उनका ये था कि नहीं, उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो बिल्कुल एफर्मेट थे, कि मतलब दृढ़ निश्चय था उनका कि नहीं, ये बना के रहेंगे सरकार। लेकिन इसी को लेकर के वो लोग तैयारी भी कर रहे थे। आज शाम को करीब 9 बजे के आसपास बीजेपी के सारे जो MLA हैं वो आने वाले थे, जिस तरह से कल NCP कांग्रेस और शिवसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, आज ये लोग करने वाले थे। लेकिन उसी दौरान ही इस तरह का घटनाक्रम होता है, और देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने साफ तौर पे, सीधे तौर पे बोला कि मेरे पास अब इतने विधायक नहीं हैं, मेरे पास अभी इतने विधायक नहीं हैं कि मैं साबित कर सकूं, बहुमत साबित कर सकूं, इसलिए मैं इस्तीफा सौंप रहा हूं। निश्चित तौर पर ये एक बीजेपी के लिए काफ़ी मायूसी भरा आज का जो ये पल था, काफ़ी मायूसी भरा था, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जब शनिवार को ये पूरा घटनाक्रम बदला था, तो उसके बाद शरद पवार के ऊपर काफ़ी सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे कि क्या इसमें शरद पवार की मौन सहमति तो नहीं है, और जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपना इरादा साफ कर दिया था, उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से सामने है। आपको लगता है कि यह राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी घटना है, और शरद पवार इस पूरे मामले में एक बेहद मजबूत नेता बनकर सामने उभरे? देखिए, परिणाम से निष्कर्ष निकाल देने से दिखा देना उचित नहीं होगा, ये बात सही है कि शरद
पार की साख और विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो गए थे या कि अजीत पवार बगैर उनकी सहमति के इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। अपनी साख और विश्वसनीयता के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और जितने लोग थे उन पर झोंका कि एक एक विधायक कहाँ है सबको पकड़ के लाओ। हम लोगों ने देखा कि कैसे विधायकों को एयरपोर्ट और बाकी जगह से पकड़ के लाया गया था और इस और तीन दिनों में पूरे एक प्रकार से कहे तो महाराष्ट्र की राजनीति का नेतृत्व उनके हाथों आ गया था, विपक्षी राजनीति का नेतृत्व कांग्रेस और शिवसेना दोनों उनकी मुखापेक्षी हो गई थी और कल उन्होंने जो भाषण दिया उससे भी माहौल बदला है। तात्कालिक रूप से भाजपा को पटकनी देने में अजीत पवार को भाजपा से अलग कराने में वो बिल्कुल सफल हुए हैं, लेकिन इसको अभी महाराष्ट्र की राजनीति का पूर्ण विराम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है अवधेश जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ अवधेश जी। भले ही बीजेपी की सरकार गिर गई हो, अब नई सरकार बनेगी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ आपको लगता है कि अभी भी बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है? वो इस सेंस में कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था लेकिन उसके खिलाफ शिवसेना कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना रही है, एनसीपी के साथ मिल रही है, तो आपको लगता है कि इस पूरे राजनीतिक खेल में भले ही सरकार किसी पार्टी की बन जाए लेकिन हार जनता की हो रही है? जनता के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, जनता हताश होकर देख रही होगी कि हमने जिस गठबंधन को बहुमत दिया था वो गठबंधन अलग हो गया और कैसे विपक्ष में बैठाना चाहता उनके साथ मिलकर सरकार बना रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति का भी नया अध्याय लिखा जाना है। लेकिन किसी गठबंधन को बहुमत मिला हो और उसकी सरकार नहीं बनी हो ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। तो अब जिसको विपक्ष उसका सेना बना रही है ये सरकार कम से कम नैतिक नहीं मानी जाएगी और जनता के जनता के अंदर निश्चित रूप से इसको लेकर के ठीक है सर, मैं आऊंगा अवधेश जी आपके पास फिर आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कुलटकर जुड़ रहे हैं, लेमन ट्री होटल के बाहर से जुड़ रहे हैं जहां पर शिवसेना के विधायकों को ठहराया गया है। देवेंद्र, अब क्या शिवसेना के विधायकों के अंदर थोड़ी बेचैनी कम हुई है और क्या अब जबकि ये पूरा मामला सामने आ चुका है, बीजेपी की सरकार गिर गई है, तो क्या अब विधायक वहां से बाहर आएंगे आज शाम तक या अभी वहीं रहेंगे अगली सरकार बनने तक? देखिए जाहिर सी बात है कि जो शिवसेना के विधायक हैं लगभग उन्होंने 4 होटल अब तक बदले हैं और मुंबई में अलग अलग जगह पर रहे और जब उन्हें पता चला कि अब सरकार गिर गई है और अपनी सरकार बन रही है यानी कि कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर की खुशी जो है वो देखने लायक थी। और जिस तरह से अब अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है उसके आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में, उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल पा रही है और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, जयंत पाटिल डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जी हां, ये एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जयंत पाटिल एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं यानी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और जयंत पाटिल डिप्टी सीएम होंगे, ये जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। बाला साहब थोराट की भूमिका भी यहाँ पर तय की गई है जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। लेमन ट्री होटल से ही हमारे साथ देवेंद्र लगातार बने हुए हैं, जहाँ से ये खबर भी आ रही है शिवसेना के विधायक वहाँ पर रुके हुए हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि जब कल शपथ ग्रहण हो जाएगा उद्धव ठाकरे का तब तक ये विधायक वहीं पर रहेंगे? देवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? आ,
देखिए अब ये विधायक जो है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ऐसे समझ में आ रहा है। यहाँ से विधायक निकल सकते हैं और जिस तरह से अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे, साथ ही साथ बाला साहब थोरात हो या जयंत पाटिल हो, बाला साहब थोरात कांग्रेस से और जयंत पाटिल एनसीपी से डिप्यूटी सीएम पद की शपथ लेने वाली है। और ये गतिविधियां जो है वो अब तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और अगले कुछ ही घंटों में जो है ये जो महाविकास आघाड़ी है उसका किस तरह से पिक्चर होगा वो क्लियर होने वाला है। और जो अभी जानकारी मिल रही है, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे और बाला साहब थोरात और जयंत पाटिल डीसीएम की शपथ लेंगे। तो ये जो देवेंद्र देवेंद्र हमें बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर वो ये कि महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जी हाँ, दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बाला साहब थोरात और जयंत पाटिल दो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन सकते हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी एक नया फॉर्मूला यहां पर क्रिएट हुआ है। अब जो बात अभी देवेंद्र फडणवीस ने कही थी कि ये तीन पहिए वाली सरकार है और ये तीन पहिए वाली सरकार कितने दिन तक चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अवधेश जी, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला हूं कि अब जो हमें खबरें मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि महाराष्ट्र का जो अब सरकार का समीकरण होगा कुछ यूं होगा कि एक मुख्यमंत्री होंगे, दो डिप्टी सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई है कि ये तीन पहिए वाली सरकार है, बहुत लंबा चलना मुश्किल है। क्या कमेंट होगा आपका अवधेश जी? ऐसा है कि इस समय देखिए, अगर तीन दिन पहले आप मुझसे पूछे तो मैं कहता कि ये सरकार लगातार और रहेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों के शपथ ग्रहण के बाद जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के नेताओं में संवाद बढ़ा है, विधायकों में संवाद बढ़ा है, एकजुटता दिखाई है, देवेंद्र मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अब ये जानकारी चूंकि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कल शपथ ग्रहण होगा, उद्धव ठाकरे इस वक्त कहाँ है? क्या लेमन ट्री होटल में है या कहीं और मीटिंग चल रही है उनकी? कुछ जानकारी मिल रही है उद्धव ठाकरे के बारे में आपको? देखिए, उद्धव ठाकरे इस वक्त कहाँ पर है इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन शिवसेना के जो बड़े नेता है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और शिवसेना के विधायक जो है वो यहाँ पर है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस लेमन ट्री होटल पर आ सकते हैं, सारे जो विधायक है उनसे बातचीत कर सकते हैं और जो शिवसेना के नेता है उनसे भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। सारे नेता यहाँ पर मौजूद है और एक उम्मीद की जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर आ सकते हैं। ओके। तो आप कह रहे हैं कि शिवसेना के तमाम वरिष्ठ नेता लेमन ट्री होटल में मौजूद हैं। अब खबर आ गई है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम होंगे, बाला साहब थोरात और जयंत पाटिल, ये नाम दो नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सुबोध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, क्या कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर इकट्ठा हुए थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देवेंद्र फडणवीस की चल रही थी? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे? कार्यकर्ताओं का मूड इस वक्त कैसा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ बड़े नेता भी थे, जिनमें से आपको बताऊं नारायण राणे थे यहाँ पर हर्षवर्धन पाटिल थे, आपके पंकजा मुंडे थी, किरीट सुमैया थे, इस तरह से और भी कई सारे नेता थे। लेकिन पक्की बात है कि जिस तरह का ये जो चंद्रकांत दादा पाटिल थे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा तो पक्की बात है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि निराशा तो है। मैं आऊंगा सुबह पूरी तरह से, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इस वक्त क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अंबिकानंद सहाय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंबिकानंद जी, पूरी घटनाक्रम आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से पूरा मामला बदला है, अब आपका कमेंट क्या होगा? अब जो नई सरकार बनने जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है, कल ये शपथ ग्रहण हो जाएगा, उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, जयंत पाटिल यहाँ पर डिप्टी सीएम होंगे, ऐसी जानकारी इस वक्त हमें मिल पा रही है, क्या कमेंट होगा आपका? देखिए मृत्युंजय जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ। मुंबई की घटनाक्रम को देखकर
बहुत पहले जोसेफ स्टालिन का नाम सुना होगा, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और लोग उनको तानाशाह भी कहते थे। वो कहा करते थे कि जनता का काम है वोट देना, लेकिन सरकार कोई और बनाता है। फिर आगे वो कहते थे कि आप अपना काम करिए, वोट दीजिए, बस चुनावों की जो जो मतगणना करता है वो आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप बंबई की घटना को देखिए, हुआ क्या? मतगणना करने का अधिकार हमारे सिस्टम में भी ये पॉलिटिकल पार्टीज के मठाधीशों को है। इस केस में अभी तीन दल एक साथ हो गए हैं, उनके मठाधीश एक साथ हो गए हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधियों की वोटों की गिनती करेंगे और फिर हम सब जोसेफ स्टालिन को एक बार फिर याद करेंगे। जनता वोट दे सकती है, सरकार नहीं बना सकती है, ये प्रूव हो गया। अब आइए कि आज की घटना पे देखिए, ये जिस तरह से मुंबई का घटना हुआ, मैं नहीं समझता हूं कि देश की जनता कहीं से भी खुश होगी, बल्कि उनको क्रोध आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। वोट उन्होंने दिया था शिवसेना बीजेपी कॉम्बिनेशन को सरकार बनाओ, वो बना नहीं। उसके बाद दोबारा वोट लेते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, किसके साथ? एनसीपी के साथ, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ ठीक है मिलकर चुनाव लड़ी और जनता का आदेश था कि आप ऑपोजिशन में बैठिए। तो ना जनता के आदेश का सम्मान इन्होंने किया और ना उन्होंने किया। ठीक बात है, सम्मान नहीं हुआ, ये बात ठीक है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन हार जनता की हो रही है। जनता ने जिन्हें जनादेश दिया था उनकी सरकार नहीं बन रही है, और जिनके खिलाफ जिस पार्टी को जनादेश मिला था उसी पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर अगली सरकार बनने जा रही है। ये निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बड़ा छल तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिकानंद सहाय जी आपका, अवधेश कुमार जी आपका, सुबोध आपका और देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी हम तक साझा करने के लिए।